ये नो सर्विस का प्रॉब्लम, और इसके पास साथ आपको जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे आप फाइंड कर सकते हो। और साथ में मैं आप लोगों को एक अच्छी तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप आप कोई भी एंड्रॉयड का जो नेटवर्क है इशू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए विदाउट डिले इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका सैमसंग या कोई भी स्मार्टफोन जब भी आपके हाथ में आए नेटवर्क इशू के लिए, तो सबसे पहले आपको डायल कर लेना है IMEI नंबर। IMEI नंबर इसका ओके है या नहीं तो सबसे पहले आप लोग डायल कर लीजिए IMEI नंबर। IMEI नंबर के लिए आपको डायल करना है *#06#। तो दोस्तों देख सकते हो इसका जो IMEI नंबर एकदम ओके है, ये नंबर वन है, नंबर टू है, तीनों IMEI नंबर जो दोनों IMEI नंबर ओके है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेटिंग पे चले जाना है। दूसरा स्टेप आपको जो सेटिंग पे चले जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको चले जाना है अबाउट सेक्शन में। तो सेटिंग पे आ जाते हैं, सेटिंग पे जाने के बाद आपको चले जाना है अबाउट सेक्शन के बाद। अबाउट सेक्शन के बाद आपको जो देखना है इसका जो अबाउट सेक्शन पे जाने के बाद आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट या आपको बेसबैंड चेक कर लेना है। तो देख सकते हो जो बेसबैंड हो इसका जो बेसबैंड है, बेसबैंड भी ओके है, तो आपको बेसबैंड भी चेक कर लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, मोबाइल के अंदर हार्डवेयर इशू है। तो इसीलिए तो इसका मतलब आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, नेटवर्क का जो हो हार्डवेयर इशू है। तो हार्डवेयर इशू आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको और एक चेक कर लेना है CTR फाइल आपको ओके है या नहीं। CTR फाइल का मतलब जो फाइल होता है जिसके अंदर नेटवर्क बेस बना हुआ रहता है। तो CTR फाइल के लिए आपको जो *#00*01# आपको डायल करना है। डायल करने के बाद आपको जो CTR फाइल पास है या नहीं, देखते हो IMEI जो CTR फाइल है जो वेरीफाइड और पास लिखा हुआ है। तो इससे आप समझ जाएंगे जो आपका जो मोबाइल के अंदर आपको 1% भी आपका जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, इसका हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो आइए इस मोबाइल को सबसे पहले क्या करते हैं, खोल लेते हैं। तो आइए इसको जो सबसे पहले करना है फायर स्विच ऑफ, और इसके बाद आपको मोबाइल को खोल लेना है। तो जब भी मोबाइल को आप धीरे से खोल सकते हो, ये जो है एयरटेल का नंबर है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इसको तो ऐसे देखिए ऐसे अच्छे तरीके से आपको खोल लेना है। खोलने के बाद क्या करना है, इस PCB को इस बोर्ड से अलग कर देना है। तो अलग करने के बाद आपको थोड़ा सा देख लेना है इसका टूटा फूटा नहीं है क्या, नहीं है वाटर डैमेज है क्या, कोई कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, इधर पे कोई वाटर डैमेज नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो ये स्कैन हो स्कैन को हटा देना है, नेटवर्क का जो स्कैन है स्कैन को मैंने हटा दिया, देख सकते हो। स्कैन का हटा देने के बाद क्या करना है इसको, इसके अंदर आपको जो पावर सप्लाई देख के देखना है, इसके अंदर पावर सप्लाई देख के देखना है कि इसके अंदर जो है नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो कनेक्ट कर दिया है मैंने DC में, और इसका जो मीटर को सेट कर देता है 20 वोल्ट का अंदर। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको चेक कर लेना है इसके अंदर जो पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो एक आपको रखना है ग्राउंड पे, और इसके बाद जो कैपेसिटर है आप देख सकते हो, जो कैपेसिटर है एकदम बाजू में ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपको दिखा दूं, ये जो एकदम
नेटवर्क आईसी के पास पास ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर पे जब भी आप टच करेंगे देख सकते हो मीटर में इसका जो वोल्टेज आपको दिखा रहा है 3-4 वोल्ट, इसका मतलब जो इस पावर सेक्शन में सप्लाई आ रहा है। तो इसके साथ भी जो इसके पावर सप्लाई के बाजू में भी ये भी कैपेसिटर है, इसके अंदर भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे। हाँ ये भी 4 वोल्ट आ रहा है, तो मतलब ये जो आईसी है नेटवर्क आईसी आईसी WTR मतलब आईसी आपका जो ओके है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद डीसी से आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, इसको वार्जर मोड में ले लेना है, डायोड मोड में या रेंज मोड में ले लेना है। रेंज में देख सकते हो ये हो रहा है। तो नेटवर्क का जो लाइन है, नेटवर्क का लाइन आपको करना है चेक। तो आइए देखते हैं ये जो नेटवर्क लाइन है, ये नेटवर्क एंटेना का भी चेक करना है। नेटवर्क एंटेना भी ओके है, देख सकते हो ओके है। और इसके साथ साथ भी नेटवर्क जो लाइन है ये भी ओके है, तो देख सकते हो आप। तो बहुत ही मतलब ये जो टोटली ओके है, साथ में जो नेटवर्क एंटेना के जो लाइन के बाद जो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी आपको चेक करना है, क्योंकि दोस्तों कैपेसिटर के कारण ही बहुत सारा टाइम नो सर्विस आता है। तो इससे पहले कैपेसिटर को मैं चेक कर लेता हूँ। एक साइड में आ रहा है वैल्यू और एक साइड में आ रहा है वीफ, और एक साइड में आ रहा है वैल्यू और ये एक साइड में वीफ आ रहा है, और ये भी वैल्यू और ये भी वीफ। तो इसका मतलब कैपेसिटर भी ओके है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, इसके बाद आपको जो जो फ्रीक्वेंसी आईसी है मतलब नेटवर्क के पास जो रेंज आईसी है, इस रेंज आईसी को थोड़ा सा रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके देखेंगे अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो इसको चेंज करके आप देख सकते हो। आपका जो नेटवर्क इशू है, कोई भी सैमसंग का सेंट सैमसंग J2 J3 जितने भी J3 चाहिए लेटेस्ट जो एंड्रॉयड मॉडल है उसके बाद साथ भी आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके आप चेकिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा आपका, अगर आप सही मेथड से चेकिंग करेंगे तो आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएंगे। तो मेरे हिसाब से भाई आप देख सकते हो, सबसे पहले इसको जो कहेंगे थे PCB के कनेक्ट, और इसका थोड़ा सा आपको रिहॉट करके देखना है, थोड़ा सा आपको रिहॉट करके देखना है जो इसको बेसबैंड है बहुत ही ठीक ठाक है, इसके क्रिस्टल और इसके बाद जो ये दोनों है थोड़ा सा आपको आपको हिट करके देखना है। ऐसे आपको CPU को प्रोटेक्ट करके आपको क्या करना है, साइड में ऐसे लगा देना हॉट एयर थोड़ा सा। तो वैसे आपको 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है, इसको ठंडा होने देना है। तो ठंडा होने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से निकाल के, और साथ में ये जो टिश्यू है इसको अच्छी तरीके से आप निकाल लेते हैं। निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके इसको थोड़ा सा आपको वॉश कर लेना है। तो आप तो बोलता है।